नाजरीन कराम, ये आप देख सकते हैं कि बारबेक्यू बन रहा है, बहुत बेहतरीन किस्म का बारबेक्यू बन रहा है यहाँ पे, मसाले वाला। और ये अब आग जो है वो जल चुकी है और तैयारियाँ मुकम्मल हो रही हैं। ये सीखों पे कबाब लगाए जा रहे हैं और ये टिक्का, अस्सलाम वालेकुम, ये टिक्का लगाया जा रहा है। मैं इन भाई साहब से भी बात करूँगा और इनका इंटरव्यू भी करना है कि ये कहाँ होते हैं और कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। क्या नाम है भाई आपका? सर मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक साहब, बहुत खुश हुई आपसे मिलके। माशाल्लाह आपकी तारीफ़ें तो बहुत सुनी है मैंने, लेकिन आज मुलाकात का शर्फ बख्शा अल्लाह ताला ने और बहुत खुशी हुई। तो ये आपका सेटअप कहाँ है, कहाँ आपको? सर हमारा स्टील टाउन में। स्टील टाउन में, वेरी गुड, ज़बरदस्त। 96 से हम काम कर रहे हैं। 96 से आप लोग काम कर रहे हैं? जी सर। ठीक है, मतलब यही बारबेक्यू का ही? जी सर, बारबेक्यू, हाल बिरयानी हो, मतलब पकवान सेंटर एक तरह से। पकवान तो बहुत खुशी हुई। और ये इसमें जो कुछ मसाले होते हैं सब आपके अपने जाती होते हैं? ये मसाले सब आप अपने लगाते हैं? कोई कमर छो वो मसाला नहीं है, हम खुद मसाला साबित लेते हैं और उससे आप बनाते हैं। कोई भी वो कमर्शियल नहीं खरीदते, टिक्का मसाला ये वो कुछ भी नहीं, अपने हाथ का मसाला। तो उसका तो फिर लज्जत ही कुछ और होती होगी माशाल्लाह से। कोशिश तो हम करते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, बिल्कुल जायका देना अल्लाह पाक के। ये देखें जी, ये इसके साथ के साथ टिक्कों के ऊपर मसाला भी लग रहा है और ये मसाला बना कर लेकर आए हैं और इस पर ये इसकी मैरिनेट कर रहे हैं इसके अंदर और ये बिल्कुल इसमें जज्ब हो जाएगा। और इसके बाद जब ये बनेंगे तो ये बहुत ही लजीज किस्म के टिक्के बनेंगे। और कुछ तो टिक्कों में लज्जत होती है, कुछ इंसान के हाथ में लज्जत होती है। ये ऊपर वाले, हाँ हाँ, ये अल्लाह ताला जो है वो लज्जत हाथ में भी देता है, ऐसी बात नहीं है। इस टाइम हम देसी रेस्टोरेंट पे भी हमारा काम चल रहा है, वहाँ पे भी नाइट में काम। आज हमारा जगर फाटक पे भी ऑर्डर था, इधर भी था, वहाँ मटन कढ़ाई अफगानी पुलाव था वो रेडी किया और ये बात थे बहुत ज़बरदस्त। तो ये देखें जी, ये सीख कबाब भी बन गए हैं और इसी तरह ये इस पर कोयले जो हैं ये तैयार हैं बिल्कुल। और अभी कुछ ही देर में ये सिकाई इसकी शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह तक्का है ये, ये ग्रीन तक्का है और ये क्या चीज़ है? बिहारी, ये बिहारी बोटी है। ये जनाब बिहारी बोटी है, देखें आप, और ये ग्रीन तिक्का है। बोटी में अगर सरसों का तेल ना हो तो वो बिहारी नहीं होती। ज़बरदस्त, यानी सरसों का तेल हो तो वो बिहारी बोटी है? वो बिहारी है। ओ ज़बरदस्त, तेल ना हो तो वो बिहारी बोटी नहीं है। तो मतलब उसका एक लज्जत ही अलग होगी, उसकी, खुशबू खूबसूरत होगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी उसके अंदर से और खाने को जी चाहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे याद है मैंने पिछली मर्तबा आपका वहाँ टिक्का खाया था मैंने स्टील टाउन में, तो मैंने खैर आपसे वो बच्चा था आपका साथ कोई आया हुआ था, हाँ ये बच्चा आया था, तो वो मुझे याद है। तो मैंने कहा आज आप आएँ तो आपका इंटरव्यू कर लूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, तो ये मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूँगा इंशाल्लाह ताला। तो आप देखिएगा और कोशिश करेंगे कि लोगों को आप तक पहुँचाएँ। आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह मुझे देंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूँगा ताकि लोग आप तक रसाई कर लें और आपसे जो है वो ऑर्डर आपको दें। तो बहुत खुशी हुई इंशाल्लाह, आप बनाएँगे तो मैं फिर दोबारा आपको देख लेता हूँ किस तरह।